और बड़ी खबर पंजाब से आ रही है, जलंधर से, पंजाब के जलंधर से, जहां पर कार के सामने जानवर आने से हादसा हुआ है। बता दें कि सड़क हादसे में दो लोगों की मौके पर मौत और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें आपको ये इस वक्त की बड़ी खबर जलंधर से। तो आपको बता दें, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यह हादसा हुआ है। कार के सामने जानवर आने से ये दर्दनाक हादसा हुआ है। सड़क हादसे में दो लोगों की मौत और एक घायल बताया जा रहा है। बता दें कि अचानक से सड़क में जानवर आ गया, उस वजह से कार का बैलेंस बिगड़ गया और ये दुर्घटना हुई है। बता दें आपको कि कार सवार दो लोगों की मौत और एक शख्स घायल बताए जा रहे हैं। परमजीत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। परमजीत, कब और कैसे हुआ यह हादसा? जैसे कि ये जो हादसा है ये आधी रात के समय हुआ और फोकल पॉइंट जो कि NH1 से स्थित है वहां नजदीक में हुआ। और सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो गाड़ी है वो अमृतसर से लुधियाना आ रही थी, जो कार है, लेकिन कुछ जानवरों के आने की वजह से, हाईवे पे आने की वजह से वो उसको जज नहीं कर पाए, क्योंकि उससे सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वहाँ जो लाइट थी, जो कारपोरेशन की लाइट थी, वो भी सारी की सारी बुझी थी और बिल्कुल घोर अंधेरा था, जिसकी वजह से वो जो जानवर है उनका पता नहीं चला और ये घटनाग्रस्त हो गई। घायल की हालत कैसे बताई जा रही है? घायल की हालत भी जो है वो बहुत सीरियस है और ICU में है अभी भी। डॉक्टर जो कह रहे हैं अभी उनकी हालत जो है अभी उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया परमजीत सिंह इस तमाम जानकारी के लिए। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए दबाना न भूलें बेल आइकन और सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल।